हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विज्ञान आप लोगों ने कॉलेज आज से आना शुरू किया। आप लोग के बिना ये कॉलेज तो कॉलेज है ही नहीं। आप लोग जब कॉलेज आएंगे तो ये कॉलेज बनेगा। सरस्वती पूजा से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सरस्वती को पूजने वाले आज यहाँ पे मौजूद हैं। अदरवाइज हम अकेले यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। बसंत ऋतु को हमेशा ऋतुओं का राजा कहा गया है। यदि हम शिक्षा लेना चाहें, मार्गदर्शन लेना चाहें, तो कहीं से भी ले सकते हैं। जो मेरे को भी बैठे बैठे ये बात ख्याल आई कि इससे हमको ये पता चलता है कि हम कितना भी पतझड़ आ जाए लाइफ में, हम कितने भी परेशान हो जाएं, एक ऋतु ऐसी आएगी जब हमारे अंदर नई उम्मीदें जागने लगेंगी, नई कोपलें फूटने लगेंगी और हम अपनी मंजिल को पाने में कामयाब होंगे। तो कभी भी चाहे पतझड़ आ जाए, गर्मी आ जाए, इतनी सर्दी हमारे यहाँ इस बार भिलाई में इतनी सर्दी नहीं पड़ी, यूरोप पूरा बर्फ से ढका पड़ा है, तो वहाँ पर तो पेड़ जिंदा ही नहीं रह जाते, पर फिर ठंड खत्म होती है, फिर पेड़ उगते हैं और यूरोप जितना ग्रीन कोई कंट्री नहीं है। तो जैसे आप लोग हैं, पिछले 10-11 महीने से घर में हैं, एक साल से घर में थे, वे बहुत बोर हो गए थे, तो अब उससे बाहर निकलिए और वसंत ऋतु में नए आदर्श बनाइए, नए उद्देश्य लीजिए और उनको पूरा करिए। तो ये दोनों चीज एक ही ओर इशारा कर रही है कि आज ये समझिए कि आज से आप लोगों का फिर से वही अक्षर ज्ञान शुरू हो रहा है, विद्या आरंभ फिर से शुरू हो रहा है। तो इसी जज्बे के साथ आप लोग अपने परीक्षा के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए उसी जोश के साथ भेज जाइए जैसे आज आप लोग पहली बार एजुकेशन में उतरे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 11 महीने के बाद आप लोग सब यहां पे उपस्थित हुए हैं। क्यों कॉलेज बंद हुए थे ये सभी जानते हैं, तो बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जब सब कॉलेज आ रहे हैं तो जो गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और बहुत सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए ताकि ये कॉलेज इसी तरह कंटिन्यू चलता रहे और आप लोग कॉलेज में बने रहें, फिर से वैसी कंडीशंस ना आए कि फिर से कॉलेज बंद हो जाए।